सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। आई नो बहुत दिन से टेक्निकल कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जो कोई भी टेक्निकल पोर्शन बचा है। तो आपने थंबनेल में और टाइटल में तो देखा ही होगा कि आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेमी कंडक्टर, टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर, उसमें पीएन जंक्शन भी देखेंगे हम लोग, उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू द डायोड्स। उसमें पीएन जंक्शन डायोड होगा, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड। तो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायोड हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। बहुत ईजी होते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली जनरेट होते हैं क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट है डायोड्स वही हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द ट्रांजिस्टर्स हम लोग देखेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर कौन से थे, एनपीएन टाइप, पीएनपी टाइप। देन बीजेटी में ऑपरेटिंग रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे और बीजेटी में क्या क्या कॉन्फिगरेशन होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेकिन वापस से अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर रहे हैं, तो वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच हैव द कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स, दैट इज मेटल्स, एंड द नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स सच एज सीरेमिक्स। ओके, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि सेमीकंडक्टर हम लोग जिसे कहेंगे जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी। ओके, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। हम लोग जानबूझ के उससे इम्प्योर करते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वो काम में आ सके। ओके, तो क्या क्या इम्प्योरिटीज होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसे हम लोग दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एन टाइप एंड सेकेंड वन इज पी टाइप। ओके, तो यही हम लोग यूज करके आगे पीएन जंक्शन में यूज करेंगे। तो क्या क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज जीरो केल्विन, देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो हम लोगों ने देखा ही था कि करंट क्या होता है। एक्चुअल में करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज अ करंट। तो अगर जीरो डिग्री केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग करंट कहते हैं। तो अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए नहीं है तो वहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, और अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो हम लोग उसे एज अ परफेक्ट इंसुलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जिसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन पे जो कोई भी सेमीकंडक्टर है इट बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक में ज्यादा हम पढ़ने लायक कोई चीज नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें ज्यादा यूज नहीं कर सकते इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का। जो कोई भी सेमीकंडक्टर टाइप हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली एक्सट्रेंसिक टाइप की होती है। ओके, तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी ग्रेटली इंप्रूव बाय इंट्रोड्यूसिंग इंप्योरिटीज। ये इन्होंने कहा है कि एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है कि जो कोई भी प्योर कंडक्टर होगा, प्योर सेमीकंडक्टर होगा, उसमें हम लोग इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, उसके वजह से वो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज अ डोपिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोगों ने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो ये एडिंग करने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। हम लोगों ने जैसे देखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन मतलब आप नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव, ऐसा आप समझने के लिए अज्यूम कर सकते हो। ओके, सो डोप बाय द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों में अलग अलग इम्प्योरिटी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, हम लोगों ने 11th 12th वगैरह में पढ़ा भी होगा कि जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इससे हम लोग ये जो पेंटावेलेंट या फिर जो ट्राइवेलेंट है ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होंगी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होंगी उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ट्राई मतलब 3, पेंटा मतलब 5, से हम लोग समझ सकते हैं। तो स्टेबल होने के लिए हमें क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम्प्लीटली 4 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ओके, और हमें पता ही है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जिसके वजह से ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप बनेगा, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करेंगे, मतलब एक्चुअल में एक स्टेबल एटम बनने के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने के वजह से यहाँ पे
एक होल है वो एडिशनल जनरेट हुआ, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वहां पे कमी है। सो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो इसे हम लोग थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक होल ज्यादा होता है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से फॉर स्टेबिलिटी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। इसे हम लोग जो टाइप सेमीकंडक्टर का बनेगा उसे हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम लोग देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या इंप्यूरिटीज होती है। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो बिस्मत, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फर। ओके, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको चार ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी यूज होती है या फिर इसमें से कौन सी इंप्यूरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यूज नहीं होती। सिमिलरली पी टाइप के लिए भी आपको पूछेंगे। ओके, तो आप इसके ध्यान रखने के लिए इसके सभी जो इनिशियल लेटर्स है उसको आप ध्यान में रख सकते हो, तो BAAP। ओके, तो इसे आप कोई भी ट्रिक वगैरह बना के आपके माइंड में रख सकते हो। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। तो जिसके आखिर में अम का आपको साउंड सुनाई देगा वो मोस्टली पी टाइप सेमीकंडक्टर के, ये इसकी ट्रिक है। तो जिसके लास्ट में अम UM आपको दिखाई देगा वो हो गए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये छोटी सी एक ट्रिक है, बोरॉन आपको सिर्फ ऐड करना होगा, बोरॉन के लास्ट में अम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं होता है। और एक चीज है जो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के आखिर में भी UM का आपको साउंड सुनाई देगा, लेकिन जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो वो पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी नहीं है। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो वो दोनों यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ना ही ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है ना ही पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उससे अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो हमारा टोटल एक पीएन जंक्शन यहाँ पे आपको क्रिएट होगा। जंक्शन यानी कि जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं। ओके, तो ये होता है पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम लोग एक दूसरे से ये ज्वाइंट करेंगे यानी कि टच करने की कोशिश करेंगे, एक जंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो पी साइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्ट हो जाएंगे और एन टाइप में मैक्सिमम होल्स है वो कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एन जो होल्स है वो एन टाइप की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ होल्स है इसलिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड ये साइड और एन टाइप की तरफ होल्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे एक कंप्लीट डिप्लीशन रीजन, हम लोग इसे कहते हैं। आप यहाँ पे डॉटेड लाइन से देख सकते हो, तो ये कोई भी मिडल वाला जो पोर्शन है पीएन जंक्शन के अराउंड उसे हम लोग कहेंगे डिप्लीशन रीजन, जिसका बहुत बड़ा रोल है, हम लोग आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे देख सकते हो इसे कहेंगे हम लोग निगेटिव आयंस और जो पॉजिटिव है यहाँ पे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या आइडिया होता है, ये देने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो डिप्लीशन रीजन और द डिप्लीशन लेयर इज अ रीजन इन अ पीएन जंक्शन वेयर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो कोई भी चार्ज कैरियर है ये इमोबाइल है, मतलब ये खुद से इजीली मूवेबल नहीं है। ओके, तो जिसे हम लोग निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन कह रहे हैं, तो यही होता है डिप्लीशन रीजन में। तो डिप्लीशन लेयर एक्ट्स एज अ बैरियर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये एक वॉल की तरह बिहेव करेगी, जब भी हम लोग इसे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये इनिशियली कुछ अपोज करेगी या फिर करंट है वो इजीली पास करने नहीं देगी। जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करता है या फिर जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कम भी होती है ज्यादा भी होती है, दोनों केसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये विड्थ पे डिसाइड होता है कि जो जंक्शन है पीएन जंक्शन है वो इजिली कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, तो पीएन जंक्शन का यूज करके हमारा सबसे पहले डायोड बनता है, उसे हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉर्मली जनरलाइज डायोड भी आप इसे कह सकते हैं, फिर नॉर्मल डायोड। द डायोड इज अ डिफाइन एज द टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ओनली कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन सो लॉन्ग एज इट इज ऑपरेटेड विद इन अ स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि डायोड एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहाँ पे सिर्फ पीएन जंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है एज लॉन्ग एज इट इज ऑपरेटेड विद इन द स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल। तो एक स्पेसिफाइड वोल्टेज रेंज है उसी के अंदर हम लोग ऑपरेट करेंगे तभी ये करंट है वो पास करेगा। एन आइडियल डायोड विल हैव अ जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आप कौन से अज्यूम कर सकते हो,
आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरो जैसा एक स्ट्रक्चर है और सामने एक वर्टिकल लाइन है, तो जिस डायरेक्शन में आपको एरो दिखाई दे रहा है यानी कि लेफ्ट से लेके राइट तक ये जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमेशा करंट है वो फ्लो होता है यानी कि एनोड से लेके कैथोड तक। तो अगर हम उसे फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस क्या, रिवर्स बायस क्या, हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही फ्लो होता है। अगर हम लोग कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो ये जो बैरियर है वो जो हम लोगों ने अभी डिप्लीशन रीजन ड्रॉ किया था वो वहां पे पिक्चर में आएगा, और जो डिप्लीशन रीजन है वो करंट को इजीली फ्लो करने नहीं देगा। तो जो पी एन जंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर यूज किया है, और दोनों के बीच में एक जंक्शन फॉर्मेशन होगा जो जो कि पी एन जंक्शन डायोड, इसे हम लोग इसे कहते हैं। तो पी टाइप हम लोगों ने जिस टर्मिनल को कहा है वो है एनोड, एंड जो एन टाइप है हम लोगों ने कनेक्ट किया है कैथोड को। ओके, जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही फ्लो होता है। तो हम लोग एनोड को एज अ पॉजिटिव टर्मिनल भी हमेशा ट्रीट कर सकते हैं, एंड कैथोड को हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरह भी उसे ट्रीट करते हैं, जो कोई भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हम लोग देखते हैं, तो सेम डायोड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दूंगा। तो फॉरवर्ड बायस, तो बायसिंग मतलब हम लोग एक्सटर्नल कोई भी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे और हम लोग बिहेवियर देखेंगे कि डायोड का या फिर कोई भी डिवाइस का बिहेवियर कैसे होता है। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो पी टर्मिनल ऑफ द डायोड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो एक साथ कनेक्ट होंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो एक साथ कनेक्ट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और डायोड का एक साथ कनेक्ट होगा, और दोनों नेगेटिव टर्मिनल है वो एक साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, तो मैंने यहाँ पे शायद कहा भी है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो जब भी हम लोग डायोड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तभी डायोड में से करंट फ्लो होता है। मैं यहाँ पे करंट डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो होगा। ओके, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एरो हेड है ये भी सेम डायरेक्शन में मार्किंग कर रहा है। ओके, तो यही अपना कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है, और एक ही डायरेक्शन में जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में एग्जैक्ट अपोजिट पोलैरिटी हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड पे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो आइडियली करंट है वो पॉजिटिव बैटरी से लेके नेगेटिव की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पे फ्लो करने नहीं देगा, लेकिन मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है वो जीरो होगा या फिर वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो रिवर्स बायस में आप ऐसे भी कह सकते हो कि डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे कहा है इट विल एक्ट लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रिवर्स डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड में आप एक इसे क्लोज स्विच की तरह भी आप इसे दिखा सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो इधर डायोड का बेसिक इंट्रोडक्शन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे वी प्लॉट किया यानी कि वोल्टेज, एंड वाई एक्सिस पे हम लोगों ने करंट प्लॉट किया है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेजर टर्म्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज हम लोग इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, द वोल्टेज एट विच द फॉरवर्ड डायोड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी करंट कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग ये वी एफ यानी कि ये जो कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहाँ पे वी एफ का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसे हम लोग कट इन वोल्टेज भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो जैसे ही ये वोल्टेज क्रॉस करने की कोशिश करेगा सडनली आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत बड़ा यहाँ पे पीक आ जाएगा करंट का, यानी कि अभी जैसे ही ये वी एफ को क्रॉस करेगा फिर वी एफ पे जैसे जैसे अप्रोच होगा वैसे वैसे जो करंट है वो फ्लो करना चालू करेगा, यानी कि अभी हमारा जो डायोड है वो खुद से करंट फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। सिमिलरली रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, अगर हम लोगों ने रिवर्स बायस हम लोगों ने अभी देखा था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, तो फॉरवर्ड बायस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस साइड पे भी आपको एक वोल्टेज दिखाई देगा, यहाँ पे वी बी आर लिखा यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते हैं या फिर पी आई वी। तो मैक्सिमम वोल्टेज डायोड कैन विदस्टैंड इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन बिफोर ब्रेकडाउन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही माइन्यूट करंट भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये वी बी आर या फिर जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो अगर रेंज है वो अगर हम लोग पार करेंगे तो डायरेक्टली ये जो डायोड है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे भी हेवी करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये ब्रेकडाउन में यहाँ पे चला जाएगा। तो जिसका रेंज यहाँ पे दिया है वी बी आर का है -50 वोल्ट, ये टेंटेटिव रेंज है,
और जो सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का जो पीक इनवर्स वोल्ट कटिन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जो जर्मेनियम का होता है वो 0.3 वोल्ट। यानी कि जैसे हम लोग जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट को क्रॉस करेंगे उसके बाद ही वो कंडक्ट करना चालू करेगा, अगर हम लोग 0.3 से कम वोल्टेज देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन, जैसे ही हम लोग 0.7 के ऊपर वोल्टेज हम लोग देंगे तभी ये सिलिकॉन जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो आइडियल केस में हम लोग ये जो कट इन वोल्टेज है वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कोई कुछ कुछ चीजें होती है वहां पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल वहां पे आते हैं, जैसे एसी के एग्जाम में या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जहाँ पे आपको 0.7 वोल्ट है वो कंसिडर करना हो, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कोई भी स्टूडेंट्स एसी के लिए स्पेशली अपेयर कर रहे हैं कि 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए एंड 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, जब भी ये वोल्टेज क्रॉस होगा उसके बाद ही आपका जो डायोड है वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। उसके बाद है जेनर डायोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है पीएन जंक्शन डायोड के बाद। तो देखते हैं क्या होता है जेनर डायोड, ऑल्सो नोन एज अ ब्रेकडाउन डायोड। तो इसे हम लोग ब्रेकडाउन डायोड क्यों कहते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ हेविली डोप सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लोग स्पेसिफिकली इसे रिवर्स डायरेक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, पीएन जंक्शन डायोड की तरह। यानी कि 0.3 से 0.7 वोल्ट पे ही ये आपको कट इन वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम लोग अगर इसे रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इसे रिवर्स बायस प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक वो वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे जेनर डायोड का डायग्राम देख सकते हो, ये नॉर्मल डायोड, नॉर्मल जो डायोड होता है पीएन जंक्शन उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल जो मार्क है वो दिखाई देगा जो वर्टिकल लाइन है उसके आगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएन जंक्शन डायोड और यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ओके, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा सिंबल है, कौन से डायोड का ये सिंबल है। तो अगर हम लोग इसको वोल्टेज है वो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो एक सर्टन वोल्टेज रेंज, अगर आप देख सकते हो, अगर हम लोग निगेटिव साइड में अगर वोल्टेज पास करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही ये वीजेड, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो वीजेड, तो जैसे ये वीजेड रेंज के बाद हम लोग वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ये कंडक्ट करना चालू करेगा। यानी कि जो जेनर डायोड है वो एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लेके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो जेनर डायोड होता है वो हम लोग मैक्सिमम केसेस में रिवर्स बायस कंडीशन में ही उसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में वो एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। तो इसका स्पेशलिटी है रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करना। तो एप्लीकेशन क्या क्या होता है यहाँ पे दिखाया है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देन प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवर वोल्टेज। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ भी गया फिर भी उसका जो जितना रेंज है उतना ही वोल्टेज है आगे पास करेगा। उसके बाद है यूज इन द क्लिपिंग सर्किट। तो क्लिपिंग सर्किट क्या होता है अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अगर आगे जरूरत पड़े तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन आए तो। देन यूज टू शिफ्ट द वोल्टेज, तो ये क्लैंपिंग सर्किट होता है। तो क्लिपिंग सर्किट और क्लैंपिंग सर्किट में हम लोग जो जेनर डायोड है वो यूज करते, तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एप्लीकेशन से वो समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट के हेल्प से समझेंगे कि जेनर डायोड कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, जो वेरिएबल है हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे देखेंगे क्या बिहेव करता है। एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया सीरीज में वोल्टेज सोर्स के, और एक मैंने आउटपुट के साइड पे यानी कि जेनर डायोड के अक्रॉस ही मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर है वो अप्लाई किया। ठीक है, तो हम लोग जो वोल्टेज का जो रेंज है बैटरी वोल्टेज है वो हम लोग वेरिएबल है ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे लेट अस अज्यूम 1 वोल्ट दिया, तो ये क्या है जेनर डायोड से मतलब 5 वोल्ट इसका वीजेड का वैल्यू। ओके, यानी कि वीजेड का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे -5 वोल्ट, ठीक है 5 वोल्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट अगर प्रोवाइड करेंगे यानी कि अपोजिशन में, इसके अपोजिशन है करेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 वोल्ट प्रोवाइड किया तो ये यहाँ पे सर्किट मतलब यहाँ पे जो जेनर डायोड है ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायोड है वो कोई भी काम का नहीं है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 0.5 वोल्ट मिलेगा। ये सिमिलर वोल्टेज डिविजन रूल है, अगर आप डायोड को यहाँ से इग्नोर कर दोगे तो 1K और 1K के अक्रॉस डायरेक्टली 0.5 वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 वोल्ट है वो आउटपुट पे हमें मिलेगा 0.5 वोल्ट। जैसे जैसे हम लोग 2 वोल्ट देंगे, अभी भी ये 5 से कम ही है, तो यहाँ पे हमें सिमिलरली 1 वोल्ट ही मिलेगा। अगर 4 वोल्ट भी दिया तो यहाँ पे हमें 2 वोल्ट ही मिलेगा आउटपुट पे। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 वोल्ट अभी भी यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर डायरेक्टली 5 नहीं लेते, चाहे तो हम लोग 5 से थोड़ा कम लेते हैं। ओके, 4.9 लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 4.9 भी
5 से कम ही है तो 4.9 या फिर 4.8 देते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। अगर हम लोगों ने 4.8 दिया तो आउटपुट पे हमें मिलेगा 2.4 वोल्ट, ओके। और जैसे हम लोग 5 के ऊपर जाएंगे यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे 6 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट पे आपको मिलेगा कितना वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट पे आपको मिलेगा 5 वोल्ट। तो जैसे ही ये 6 वोल्ट को क्रॉस कर जैसे ही ये 5 वोल्ट को क्रॉस करेगा यानी कि उसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको यह क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसको जेनर डायोड से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये इग्नोर कर दो, यहाँ पे जेनर डायोड को हम लोगों ने एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया है जिसका वोल्टेज हमें मिलेगा 5 वोल्ट, ओके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज में हम लोगों ने वोल्टेज के डायरेक्टली अक्रॉस पैरेलल में 5 वोल्ट है वो कनेक्ट हो गया, क्योंकि जेनर डायोड है वो जैसे ब्रेकडाउन रीजन को क्रॉस करते हैं वो एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है, और जो कोई भी उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा वही सेम वैल्यू का हम लोग वहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम लोग 6 वोल्ट यहाँ पे देंगे तो हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा, यहाँ पे हमें 2.5 नहीं मिलेगा, ओके। तो सॉरी यहाँ पे हमें 3 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो पहले क्या था जेनर डायोड है वो यहाँ पे सर्किट में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये 5 वोल्ट को रीजन को क्रॉस करेगा वहाँ पे जेनर डायोड रिप्लेस होगा वोल्टेज सोर्स से, और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट ही कंपलसरी वोल्ट आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा वोल्टेज अड्डा आउटपुट। तो यहाँ पे रेजिस्टर प्रेजेंट होने के बावजूद भी कोई भी वोल्टेज डिवीजन नहीं होगा जैसे हम लोग यहाँ इनिशियल केसेस में जैसे हम लोगों ने किया था, जो वोल्टेज है वो दोनों के अक्रॉस इक्वली डिवाइड हो रहा था क्योंकि वहाँ पे डायोड है वो पिक्चर में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये 5 वोल्ट रीजन को क्रॉस करेगा हमें जो आउटपुट में है वो कंपलसरी 5 वोल्ट मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 से 7 वोल्ट पे जाओगे आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो एक पैरेलल में वोल्टेज के डायरेक्टली पैरेलल में हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स है वो उसे रिप्लेस कर दिया, ओके। तो जो कोई भी रिमेनिंग वोल्टेज है वो यहाँ पे 1 जो सोर्स के नज़दीक है उसके अक्रॉस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोगों ने 7 वोल्ट दिया तो जो 2 वोल्ट है वो ये जो प्राइमरी का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया तो भी आउटपुट पे अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट ही मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 5 से, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो अगर हम लोगों ने 12 वोल्ट भी दिया फिर भी जो आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा, दोनों रेजिस्टर इक्वली है, ओके। रेजिस्टर हम लोगों ने चेंज नहीं किए फिर भी हमें जो आउटपुट पे 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट ही मिलेगा, जो कोई भी 7 वोल्ट का जो ड्रॉप होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 12 वोल्ट के केस में, ठीक है। तो यही होता है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज अगर बढ़ाते भी जाएंगे फिर भी आउटपुट पे हमें एक कॉन्स्टेंट जितना उसका रेंज है जिसका जितना उसका वैल्यू है उतना ही हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 5.1 5.2 बहुत ही कम रेंज में वेरिएशन होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 होगा, मतलब अगर ऑलमोस्ट ट्वाइस या फिर 3 टाइम्स अगर हम लोग वोल्टेज देंगे फिर भी हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट ही यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका एडवांटेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे सर्किट देख सकते हो जहाँ पे मैंने 120 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया है, 50 वोल्ट का इसका जेनर ब्रेकडाउन रीजन का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। हम लोगों ने 2 रेजिस्टर यूज किया है, 5 किलो ओम का एक रेजिस्टर और 10 किलो ओम का रेजिस्टर। तो आप हमें कमेंट्स में बताओगे कि ये पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम लोगों ने 120 वोल्ट अप्लाई किया तो 5 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा और 10 किलो ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ओके। दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे, और ध्यान से देखना इसका जो जेनर रीजन है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये होता है 50 वोल्ट, ओके। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना क्या है इसका आंसर। तो अभी हम देखते हैं वैरेक्टर डायोड क्या होता है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी आप डायग्राम में देख सकते हो राइट साइड पे मैंने सिंबल दिया है एनोड और कैथोड, यहाँ पे सिंगल लाइन की जगह पे 2 लाइन होते हैं, तो 2 लाइन यहाँ पे क्यों होते हैं। वैरेक्टर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड उस इंटरनल कैपेसिटेंस वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 2 वर्टिकल लाइन है वो हम लोग कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर जैसे सिंबल है हम लोगों ने डायोड के साथ यूज किया है। सो इट ऑलवेज वर्क इन द रिवर्स बायस कंडीशन एंड वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इट ऑलवेज वर्क्स इन द रिवर्स बायस कंडीशन एंड इट इज वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। जैसे ही वोल्टेज चेंज हो जाएगा वैसे इसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, तो क्यों, एंड इट इज ऑलवेज यूज इन द रिवर्स बायस कंडीशन, ओके। सो वैरेक्टर डायोड इज नोन बाय द सेवरल नेम्स एज वेरी कैप, वोल्टा कैप, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस और ट्यूनिंग डायोड। जो ट्यूनिंग सर्किट में हम लोग यूज करते हैं इसलिए इसको ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं, या फिर वेरिएबल कैपेसिटर, फिर वेरी कैप, वोल्ट कैप या फिर वोल्टेज कैपेसिटर, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस और ट्यूनिंग डायोड, तो ये बहुत सारे इसके नाम हैं। यहाँ पे ग्राफ भी दिखाए हैं, जैसे हम लोग रिवर्स साइड पे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में, जैसे जैसे हम लोग
वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे वेरी होता है हम लोग अभी देखते हैं। ये पीएन जंक्शन का सर्किट है, यहाँ पे पी रीजन है, ओके। यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है बीच में, यहाँ पे एन है, फिर डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे, और ये पीएन जंक्शन है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर्स बायस में यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम लोग पी साइड में क्या होते हैं, ज़्यादातर होल्स होते हैं, पी साइड पे ज़्यादातर होल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये निगेटिव साइड में हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो होल्स है ये निगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो एन साइड पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ये पी पॉजिटिव जो बैटरी टर्मिनल है वहाँ पे अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोग जो वोल्टेज है वो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और जो डिप्लीशन का जो विड्थ है वो और भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर आप अज्यूम करेंगे कि सिर्फ इतना था, उसके बाद बढ़ के ये जो आउटर मोस्ट आप लाइन देख रहे हो, तो इतना तक यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है यहाँ पे जो बढ़ जाएगा। इससे हम लोग कैपेसिटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ये जो डिप्लीशन रीजन है आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, ओके। तो मतलब ये साइड एक टर्मिनल है, ये एक दूसरा टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे, फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अलग कलर में दिखा देता हूँ, ओके। तो ये जो पैरेलल प्लेट्स है आप डिप्लीशन जो विड्थ है इससे आप डिनोट कर सकते हो। तो यही होता है इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड। तो अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर वोल्टेज हम लोगों ने बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो रहा है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्यों कम हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दिया तो जो डी है, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, करेक्ट। तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, और कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी, ओके। तो अगर हम लोगों ने डी का वैल्यू बढ़ा दिया, मतलब वोल्टेज अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया, वोल्टेज अगर हम लोगों ने इंक्रीज किया, तो जो डी का वैल्यू है, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, वो भी बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो वहाँ पे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा, समझ में आया। अगर हम लोगों ने रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज करने की कोशिश की, तो जो डिप्लीशन विड्थ का जो साइज है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होते हैं, जो वर्चुअल प्लेट्स आप वहाँ पे समझ सकते हो, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है वो बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, ओके। तो अगर जैसे ही वोल्टेज हम लोग चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो डायोड का इंटरनल कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस कुछ दिए हैं, जैसे ट्यून सर्किट, एफएम मॉड्यूलेटर्स, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी गेन कंट्रोल सर्किट, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स एंड पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स, ओके। तो इसे आप भी आपको पूछा जा सकता है कि वैरेक्टर डायोड हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन करके हमें डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है शॉटकी डायोड। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, शॉटकी डायोड कैसे, जेनर डायोड और शॉटकी डायोड का जो डायग्राम है वहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, मैं आपको लास्ट में एक बार सब जो कोई भी डायोड से वो एक कंप्लीट चार्ट आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे एक बार देख लेना, ओके। डायरेक्टली सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शॉटकी डायोड इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉट कैरियर डायोड और शॉटकी बैरियर डायोड। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पी एन जंक्शन की जगह पे, यहाँ पे पी टाइप की जगह पे, यहाँ पे हमने मेटल यूज किया है, और एन टाइप हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे यूज किया है। जंक्शन है इट इज वेरी स्मॉल, एनोड कैथोड तो सेम है, और बायसिंग वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो क्या देखते हैं शॉटकी डायोड क्या होता है, इट इज मेनली यूज एट अ रेक्टिफायर एट अ सिग्नल फ्रिक्वेंसी एक्सीडिंग 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये हम लोग रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एसी को डीसी में, यानी कि एसी सिग्नल्स को अगर हम लोग डीसी में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ पे जो सर्किट यूज होता है उसे हम लोग रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं, ओके। वहाँ पे मोस्टली डायोड, थायरिस्टर, एससीआर, ये टाइप के जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस है वो हम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग रेक्टिफायर के लिए डायोड प्रेफर करते हैं, ओके। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम लोग जो डायोड है वो प्रेफर करते हैं। हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर सर्किट आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जो शॉटकी डायोड है हम लोग हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारा एसी इनपुट अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसीज पे है, यानी कि अप टू 300 मेगाहर्ट्ज़ इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो वहां पे हम लोग शॉटकी डायोड है वो प्रेफर करेंगे। वहां पे पीएन जंक्शन डायोड है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता। सो शॉटकी डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डायोड फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद अ मेटल, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक साइड पे मेटल होता है, दूसरे साइड पे एन टाइप सिलिकॉन होता है, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप के डायोड में एक जगह पे मेटल लगा होता है, ओके। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेई के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है। एंड इट्स कट इन वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट, ओके। तो
तो शॉटकी डायोड का जो कट इन वोल्टेज क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका जो कट इन वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है, जो इक्वल टू है जर्मेनियम डायोड के। ओके, लेकिन जर्मेनियम डायोड अलग होता है और ये शॉटकी डायोड अलग होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ द शॉटकी डायोड यूज इन द स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि बहुत अच्छे से स्विचिंग करता है, इसी के वजह से जो हायर फ्रिक्वेंसी से हम लोग वहाँ पे इसको यूज करते हैं, सेम उसका रीजन है। यूज इन द रिवर्स करंट प्रोटेक्शन, यूज इन द डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, यूज इन वोल्टेज क्लैंपिंग एप्लीकेशन एंड यूज इन द RF मिक्सर एंड डिटेक्टर डायोड। ओके, तो एक बार आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें SMPS में यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई स्विचिंग है, वो काम इजिली करता है हाई स्विचिंग भी। तो PN जंक्शन डायोड और शॉटकी डायोड का अगर आप कंपेयर करोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा, क्योंकि 0.3 है तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी इसका जो कटिंग वोल्टेज है वो अपियर होगा एज कम्पेयर टू द 0.7 वोल्ट। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो लीकेज करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमें जो रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है वो कम होता है उसका वोल्टेज, लेकिन रिवर्स साइड में जो करंट फ्लो होता है, रिवर्स लीकेज करंट हम लोग जिसे कहते हैं, वो बहुत ही हैवी करंट होता है एज कम्पेयर टू द PN जंक्शन डायोड। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका मेजर एडवांटेज है कि ये बहुत अच्छा फास्ट स्विचिंग पे वर्क करता है। एडवांटेजेस है अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इट इज फास्ट स्विचिंग स्पीड। सेकेंड पॉइंट है द लेस रिवर्स रिकवरी टाइम, द शॉटकी डायोड कैन स्विच इंस्टेंटली फ्रॉम द कंडक्टिंग स्टेट टू नॉन कंडक्टिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग के स्टेट में, फिर कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में जाने के लिए बहुत इजीली स्विच करता है, या फिर उसका जो रिकवरी टाइमिंग है वो बहुत ही कम होता है, इसके वजह से हम लोग फायर स्विचिंग के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद है हायर इफिशियंसी, सिंस द वोल्टेज ड्रॉप और द कट इन वोल्टेज इज लेस इन द शॉटकी डायोड जो कि 0.3 वोल्ट होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हेंस द पावर कंजप्शन ऑफ द डायोड इज लेस, एज अ रिजल्ट वी गेट अ हायर इफिशियंसी। तो जो कोई भी कट इन वोल्टेज है उससे अगर हम लोगों ने करंट से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें पावर कंजम्पशन अक्रॉस दैट पर्टिकुलर डायोड हमें मिल जाएगा। तो अगर जितना कट इन वोल्टेज कम होगा उतना ही अच्छा, आइडियली जीरो होना चाहिए कट इन वोल्टेज, लेकिन प्रैक्टिकली हमें 0.3 या फिर 0.7 जो वोल्ट है वो हमें दिखाई देता है। तो अगर जितना वोल्टेज कम रहेगा उतना एफिशिएंसी अच्छा होगा वो पर्टिकुलर डायोड का। डिसएडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस किया है, द लो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, मैक्सिमम 200 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज रेटिंग शॉटकी डायोड अवेलेबल। तो रिवर्स में हमारे पास बहुत ही कम वोल्टेज रेटिंग मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिवर्स वोल्टेज है वो बहुत ही कम है, इन्होंने यहाँ पे दिया है मैक्सिमम 200 वोल्ट हम लोग रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड हाई रिवर्स लीकेज करंट। ओके, तो रिवर्स लीकेज करंट भी बहुत होता है जिससे रिवर्स बायस कंडीशन में इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो ये जो शॉटकी डायोड है हम लोग मोस्टली प्रेफर करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, जेनरल डायोड है वो हम लोग प्रेफर करेंगे रिवर्स कंडीशन में, फिर रिवर्स बायस कंडीशन में। उसके आगे है टनल डायोड, टनल डायोड बहुत इंटरेस्टिंग डायोड है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे इसका ये सिंबल है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है बाकी डायोड से बहुत डिफरेंट, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। टनल डायोड इज अ हेविली डोप PN जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है आगे। द टनल डायोड शोज अ निगेटिव रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये करंट है फॉरवर्ड बढ़ते जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये जो करंट है वो वापस से डिक्रीज होना चालू होगा। जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज करेंगे करंट है वो कम होते जाएगा, एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा जहाँ पे जो करंट है वो वापस से बढ़ना चालू करेगा, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट वापस से बढ़ना चालू होगा। ओके, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइप का पैटर्न जनरेट करता है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है। तो आप यहाँ पे जो देख सकते हो जहाँ पे जो करंट है वो नीचे आता है अगर वोल्टेज बढ़ाने की वजह से, तो उसे हम लोग कहेंगे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ओके, तो यही ये इसकी खासियत है, यहाँ पे हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है। व्हेन द वोल्टेज वैल्यू इंक्रीजेस करंट फ्लो डिक्रीजेस द टनल डायोड वर्क्स ऑन द टनलिंग इफेक्ट, या फिर टनल इफेक्ट, तो इसे हम लोग टनलिंग इफेक्ट या फिर टनल इफेक्ट बोलते हैं। इसके इन डिटेल में नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, होल्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे पेयरिंग होता है, हमें वो जानने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, स्पेशली मैकेनिकल के स्टूडेंट को तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस ध्यान में रखना कि सिर्फ टनल डायोड में हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है, यही इसकी स्पेशलिटी है। द टनल डायोड हैज अ नैरो डिप्लीशन रीजन, ओके, तो इससे भी पूछा जा सकता है, इसमें नैरो डिप्लीशन रीजन होता है और हेविली डोपिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, द टनल डायोड कैन यूज एज अ स्विच एम्पलीफायर एंड अ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में क्या होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एम्पलीफिकेशन होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाते जाते हैं। स्विच मतलब नॉर्मल स्विच की तरह हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, ऑन या ऑफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो ऑन रहेगा, रिवर्स करेंगे तो ऑफ रहेगा, ऐसे टाइप में। एंड एम्पलीफायर, एम्पलीफायर यानी कि मैग्नीट्यूड हम उसे उसका बढ़ा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो भी हम लोग इनपुट पे देंगे वही होता है एम्पलीफायर का काम। सिंस इट शोज अ फास्ट रिस्पॉन्स
इट इज यूज इन द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। ओके, तो ये भी हाई फ्रिक्वेंसी पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, टनल डायोड से भी बहुत अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डायोड है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट सेंसर दैट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बहुत इजी है। फोटो डायोड क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल होगी ये जो डायोड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा वोल्टेज और करंट, दैट इट इज कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी कि वोल्टेज या फिर करंट को जो पास करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो डिटेक्टर, फोटो सेंसर और लाइट डिटेक्टर, क्योंकि ये लाइट को डिटेक्ट करता है, फोटो यानी कि फोटोन्स। ओके, तो फोटोन्स का इन्होंने वर्ड है वो यूज किया है फोटो, जहाँ पे फोटोन्स फॉल होते हैं जिस डायोड के ऊपर और उसके बाद वो कंडक्ट करना चालू होता है, उसी को हम लोग कहेंगे फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर या फिर फोटो डायोड। ओके, तो फोटोन्स वर्ड एक्चुअली यहाँ पे आपको पता ही होगा। तो फोटो डायोड ऑपरेट्स इन अ रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, तो ये भी रिवर्स बायस कंडीशन में ही हम लोग इसे यूज करते हैं। द टिपिकल फोटो डायोड मटेरियल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम गैलियम, आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड। ओके, तो ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का कंबाइन मिक्सचर एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, इसका कंबाइन मिक्सचर, ये हम लोग एक ही साथ यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल है, तो आपको शायद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फोटो डायोड ऑपरेट्स इन थ्री डिफरेंट मोड्स। फर्स्ट वन इज फोटो वोल्टाइक मोड, सेकेंड वन इज फोटो कंडक्टिव मोड एंड थर्ड वन इज एवलांच डायोड मोड। ओके, तो हम लोग इन डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जनरेट होते, लेकिन आप जो नाम है वो एक बार समझ सकते हो। इसके साथ एक फोर्थ ऑप्शन भी देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फोटो डायोड का वर्किंग मोड नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो फोटो डायोड, अगर करंट यहाँ पे डायोड की तरफ अंदर आ रहा है, यानी कि वो सेंस कर रहा है, लाइट को सेंस कर रहा है ना, इसलिए वो लाइट इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि इसके सरफेस से फॉल करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक ग्लास लग यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो जिसके ऊपर लाइट फॉल होगी और ये जो डायोड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यही होता है फोटो डायोड का काम। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अभी देखते हैं। तो फोटो डायोड एक्ट्स एज अ नॉर्मल डायोड इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिर्फ ये रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं क्योंकि फॉरवर्ड में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। द रिवर्स करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिवर्स वोल्टेज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर्स करंट कितना फ्लो होगा ये रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। व्हेन देयर इज अ नो लाइट इल्यूमिनेशन रिवर्स करंट विल ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर लाइट कोई भी फॉल नहीं हो रहा है तो वहां पे रिवर्स करंट है वो ऑलमोस्ट आप जीरो है वो उसको अज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट या फिर एकदम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल आप उसे अज्यूम कर सकते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज अ डार्क करंट, यानी कि अगर वहां पे लाइट फॉल नहीं हो रहा है फिर भी अगर कोई भी लीकेज करंट वहां से फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे डार्क करंट। ओके, लाइट है तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसको अलग नाम दिया है डार्क करंट, क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं होने की वजह से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे डार्क करंट, या फिर जो हम दो नॉर्मली डायोड के केस में हम लोग उसे लीकेज करंट कहते हैं। वंस व्हेन द लाइट इल्यूमिनेशन इंक्रीजेस रिवर्स करंट ऑल्सो इंक्रीजेस लीनियरली। तो जैसे जैसे हम लोग लाइट का इल्यूमिनेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट है उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो नजदीक है वो डायोड डार्क करंट है, यानी कि जब भी लाइट यहाँ पे कोई भी फॉल नहीं हो रही तो बहुत ही करंट का जो मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, करंट हम लोग ये डायरेक्शन में प्लॉट करें वाई एक्सिस पे बॉटम की तरफ। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1000 लक्स, 1500 लक्स, 2000 लक्स, 2500 लक्स। तो लक्स क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इल्यूमिनेशन टॉपिक्स में, तो ये लक्स है वो लाइट का एक यूनिट होता है। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग जो लाइट है वो लाइट इंटेंसिटी, लाइट इल्यूमिनेशन है वो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो करंट का वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज से कोई असर नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको फ्लैट लाइन ही मिलेगी। अगर एक बार ये पर्टिकुलर लाइन पे आ गई, यानी कि लाइट फॉल होने के बाद अगर ये पर्टिकुलर जोन में आ गया तो थ्रू आउट द वोल्टेज रेंज ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा, यानी कि जैसे इन्होंने कहा है कि रिवर्स करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिवर्स वोल्टेज। तो वोल्टेज के वेरिएशन से यहाँ पे करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ चेंज होगा इल्यूमिनेशन के, अगर लाइट चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन है वो, करंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ओके, फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोगों ने वहाँ पे लाइट फॉल करा है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में ही ये स्पेशल पर्पस डायोड की तरह यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड, LED, जो हमें पता ही है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। दिस डायोड कैन एमिट द लाइट व्हेन इट इज इन द फॉरवर्ड बायस स्टेट। ओके, फोटो डायोड है वो हम लोग रिवर्स बायस में यूज करेंगे, जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। तो ये ध्यान में रखना फॉरवर्ड में कौन से यूज करते हैं, रिवर्स में कौन से यूज होते हैं। ओके, उसका अगर आप लोगों ने
कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने देख लिया, अगर आपने माइंड में फिक्स कर लिया, फिर उसका वर्किंग अगर समझ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग फॉरवर्ड में कौन से यूज़ करते हैं और रिवर्स बायस में कौन से यूज़ करते हैं। द एलईडी टेक्नोलॉजीज यूज गैलियम आर्सेनेट फॉस्फाइड, यानी कि GaAsP इसका शॉर्ट फॉर्म है, गैलियम फॉस्फाइड एंड एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनेट। ओके, तो ये कुछ मटेरियल है जिससे हम लोग जो एलईडीज हैं वो यूज करते हैं, जिससे हम लोग एलईडीज है वो बनाते हैं। वेन द फॉरवर्ड बायस करंट IF, यानी कि फॉरवर्ड बायस करंट, इज अप्लाइड थ्रू द PN जंक्शन ऑफ द डायोड, फोटोन इमिशन अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो इतना ही यहाँ पे समझने की बात है। जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे, वैसे उससे जो फॉरवर्ड करंट है वो पास होगा। जैसे ही फॉरवर्ड करंट पास होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और जो फोटोन्स है वो इमिट हो जाएंगे। ओके, तो लाइट में एक्चुअली क्या होता है, लाइट में फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोन्स है वही हमें आंखों में दिखाई देते हैं, तो फोटोन्स है वो यहाँ से इमिट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो एलईडी का, जो एरोज है वो हम लोग डायोड से बाहर की तरफ दिखाते हैं, और फोटो डायोड में यहाँ पे डायोड सेम ऑलमोस्ट दिखेगा आपको, एरोज ही दिखेंगे दोनों जगह पे, लेकिन फोटो डायोड में जो एरोज है वो टूवर्ड्स द डायोड रहेंगे और एलईडी में डायोड से बाहर निकलेंगे। आप समझ भी सकते हैं क्योंकि लाइट बाहर निकल रहा है, तो लाइट हम लोग जो एरोज है वो हम लोग बाहर जाने की तरफ दिखाएंगे और फोटो डायोड की तरफ हम लोग अंदर आने की तरफ यहाँ पे एरो है वो दिखाई देंगे। एप्लीकेशन ऑफ द लाइट इमिटिंग डायोड क्या क्या होते हैं, तो यूज फॉर द टीवी बैक लाइटिंग, यूज इन द डिस्प्लेज, यूज इन द ऑटोमोटिव एंड एलईडी यूज इन द डिमिंग ऑफ द लाइट्स। ओके, तो एलईडी तो आपने बहुत जगह पे देखे, आपको एप्लीकेशन हर जगह पे आपके घर में भी दिखाई देगी। ओके, तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, एंड सेकेंड मेन थिंग इज ये हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायोड है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है आज के लेक्चर में, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। समझ लेना क्या होते हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हो। ओके, आप हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं सिर्फ सिंबल के ऊपर, कि ये सिंबल कौन से डायोड का है। ओके ओके, तो हम लोग ये पार्ट में सिर्फ डायोड डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांजिस्टर डिस्कस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में ट्रांजिस्टर जो कोई भी है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। ओके, अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए आए हो, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर्स।